हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल पैंथर 11। और आज इस वीडियो में बात करेंगे युवा कबड्डी मॉनसून एडिशन के चैलेंजिंग राउंड मैच नंबर 92, जो ये खेला जाएगा 9:30 बजे परियार पैंथर्स वर्सेस मराठा मार्वल्स के साथ ये मैच खेला जाएगा। गाइस, वहीं बात करते हैं चैलेंजिंग राउंड के, जो बॉक्स स्कोर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर मुझे हैम्पी हीरोज़ की टीम नज़र आ रही है। 21 मैच में 17 मैच जीती हुई है, 3 मैच इनका लॉस रहा, 1 मैच इनका टाई रहा। मुथल मैडनेस की टीम 2 स्थान पे है, जिन्होंने 21 मैच में 14 मैच जीता हुआ, 5 मैच इनका लॉस रहा और 2 मैच इनका टाई रहा। गाइस, वहीं बात करते हैं काजीरंगा हिनोस की टीम ने 21 मैच में 13 मैच जीता हुआ है, 7 मैच इनका लॉस रहा, 1 मैच इनका टाई रहा। रवालिया एरोस की बात करो तो 21 मैचेज में 12 मैच जीता हुआ है, 8 मैच इनका लॉस रहा, 1 मैच इनका टाई रहा। पेरियार पैंथर्स की बात करो तो 21 मैच में 10 मैच जीता हुआ है और 11 मैच इनका लॉस रहा। विजय नगाड़ा वीर्स की टीम की बात करो तो 22 मैच में 9 मैच जीता हुआ है, 12 मैच इनका लॉस रहा, 1 मैच इनका टाई रहा। मराठा मार्वल्स की बात करो तो 21 मैच में 6 मैच जीता हुआ है, 15 मैच इनका लॉस रहा। गाइस, वही बात करते हैं कि आप हमारे अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल एसएल टीम जीएल टीम सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट होगी और लाइनअप भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही आएगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना। ये लोगो दिख जाएगा ज्वाइन करने के लिए, आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो सर्च कर लेना @Panthar11ABC और ज्वाइन कर लेना, या आपको 2 ऑप्शन और है, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि आने वाले वीडियोस का सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और गाइस, क्योंकि बहुत सारे अभी सीजन्स आ रहे हैं, ICC वर्ल्ड कप भी आ रहा है, NBA बास्केटबॉल आ रहा है, तो बहुत मैचेज आने वाला है, सभी के वीडियो सभी का टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होंगे और सभी का वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइज, आपके लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन भी लेके आया हूँ जो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म बढ़िया रहने वाला है। कबड्डी में आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इस पर मिलता है, जो आप टीम को एडिट कर पाते हैं इजिली। अगर आपको क्रेडिट इशू है तो आप विजन 11 प्ले करें और यहाँ पे 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और यहाँ पे लेस कंपटीशन है, लो एंट्री फी है, इसलिए आप यहाँ पे इजिली विन भी कर सकते हो लो कंपटीशन के कारण, और यहाँ पे कम एंट्री फी है जिसके वजह से आपको अच्छे प्रॉफिट भी हो सकते हैं। और गाइस, मेरा विजन 11 पे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा है, 80-90% यहाँ पे रिजल्ट है मेरा, परसेंटेज जो कहा जाए तो बेस्ट है, आप डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, मिलेगा विजन 11 का, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल पे आपको विजन 11 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, आप इस पर बहुत सारा ढेर सारा पैसा जीत सकते हो, अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीम प्रीव्यू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परियार पैंथर्स की टीम की बात करते हैं, तो परियार पैंथर्स की तरफ से चेतन साहू जो राइट ट्रेडर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, 13 मैचेज प्ले किया हुआ है, इनका रेडिंग 0.157 है, रेड्स इन्होंने 218 किया हुआ है, रेड स्ट्राइकर जो इनका रहा है 72 का रहा है और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो 45 का रहा है। तो गाइस, अपने टीम में जरूर इनको ट्राई कर लेना एसएल प्लस जीएल टीम में। सेकेंड बात करते हैं अक्षित धूल की, तो अक्षित धूल ने 17 मैचेज प्ले किया हुआ है, रेड पॉइंट इनके 147 रहा और रेड्स इन्होंने 229 किया हुआ है, रेड स्ट्राइकर इनका 64 का रहा और इनका जो रेड पॉइंट्स पर मैट जो है 8.6 का है। तो अक्षित धूल भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, ये भी लेफ्ट रेडर है, आप चाहो तो इनको भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। गाइस, अजय पंडित की बात करूँ तो लेफ्ट रेडर है और इन्होंने 19 मैचेस प्ले किया हुआ है, इनका जो रेड पॉइंट्स है 90 है और रेड्स इन्होंने 140 किया हुआ है, टैकल भी ठीक ठाक किया हुआ है, 46 किया हुआ है। और गाइस, इनका जो रेड स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, 64.28 का है और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो 26 का है। तो आप अजय पंडित को भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो एसएल टीम में, या अपने जीएल टीम में भी इनको ट्राई कर सकते हो। गाइस, अजय धुलिया की बात करूँ तो राइट ट्रेडर है, इन्होंने 18 मैचेज प्ले किया हुआ है, 66 इनका रेड पॉइंट्स है, रेड्स इन्होंने 147 किया हुआ है, टैकल पॉइंट इनके 30 रहे और टैकल टोटल इनका जो रेड स्ट्राइक रेट रहा 44.89 का रहा और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो 53 का है। तो इनका भी बहुत अच्छा गुलिया का रहा, तो आप गुलिया को भी चाहो तो अपने जीएल टीम में या एसएल टीम में भी आप पिक कर सकते हो। वहीं बात करते हैं विक्की माला की, तो 9 मैचेस प्ले किए हुए हैं, 9 मैच में 30 इनका रेड पॉइंट है, रेड्स इन्होंने 51 किया हुआ है, टैकल पॉइंट 31 है और रेड स्ट्राइकर इनका काफ़ी अच्छा रहा, 58.82 का रहा और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो 29 का है। तो गाइस, आप विक्की माला को क्रेडिट मैनेज के लिए भी अपने टीम में पिक कर सकते हो। वही बात करते हैं सुमित चिल्लर की, 11 मैचेज प्ले किया हुआ है, इन्होंने ये डिफेंडर है टीम के और
62 इनका टैकल पॉइंट है और गाइस इनका टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो 32 का है। तो आप सुमित चिल्लर को जीएल टीम में ट्राई करना ना, बाकी आप एसएल टीम में इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। अंकुश लोहन की बात करो, 10 मैच प्ले किए हुए, कम इनको टाइम मिला हुआ है और ये रेडर है बहुत कम ही, ये रेट पॉइंट भी किए हुए, तो आप अंकुश दुल को भी ड्रॉप कर सकते हो। गाइस वही बात करते हैं आशीष चिल्लर की, तो आशीष चिल्लर 11 मैच प्ले किए हुए और ये डिफेंडर है, बहुत कम इनका रेशियो भी रहा है, तो आप इनको भी चाहो तो आप आशीष चिल्लर को चाहो तो जीएल टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रेड स्ट्राइकर जो इनका रहा है 50 कर रहा है। गाइस टीम प्रीव्यू मैं बात करता हूँ, मराठा मार्वल्स की बात करता हूँ, तो मराठा मार्वल्स की तरफ से जो है वो निखिल चौधरी जो राइट रेडर है और 19 मैचेस प्ले किए हुए हैं, रेड पॉइंट इनके जो है 187 है, रेड्स इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, 303 किया हुआ है और इनका रेशियो जो रहा है रेड पर पॉइंट मैच वो 9.8 का और रेड स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा 61.71 का है। तो निखिल को भी गाइज अपने टीम में जरूर ट्राई करना है एसएल प्लस जीएल दोनों में, और इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। गाइज बात करते हैं पंकज की, तो पंकज जी ने 17 मैचेस प्ले किए हुए हैं, 110 इनका रेड पॉइंट्स रहा, रेड्स इन्होंने 215 किए हुए हैं, टैकल पॉइंट इनके 15 रहा है और गाइस इनका रेड स्ट्राइक रेट 51.16 का है और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो 113 का है। तो ये भी अच्छे रेडर हैं, आप चाहो तो अपने जीएल टीम में इनको ट्राई कर लेना। गाइस उदय दवास की बात करो तो उदय दवास भी राइट रेडर है, 10 मैच प्ले किया हुआ है, 75 इनका रेड पॉइंट है, रेड्स इन्होंने 124 किया हुआ है, इनका भी रेशियो बहुत बढ़िया है 60.48 का है। तो आप उदय दवास को भी अपने टीम में क्रेडिट मैनेज करते हुए आप इनको अपने टीम में एसएल प्लस जीएल में पिक कर सकते हो। अंकित यादव की बात करूँ तो ये डिफेंडर है, लेफ्ट कॉर्नर को कवर करते हैं और गाइस वहीं बात करते हैं, इन्होंने 19 मैचेस प्ले किया हुआ है और इनका जो रेड्स पॉइंट की बात करूँ तो 13 है और रेड्स इन्होंने 28 किया हुआ है। गाइस इनका रेड स्ट्राइक 46 का रहा। वहीं बात करते हैं गौतम तोमर की, तो इन्होंने 14 मैचेस प्ले किए हुए हैं, 14 मैच में 39 इनका जो है रेड्स पॉइंट है और रेड्स इन्होंने 73 किया हुआ है, टैकल पॉइंट 17 है। गाइस इनका रेड पॉइंट्स पर मैच 2.8 का है, तो आप चाहो तो गौतम तोमर को ड्रॉप कर सकते हो। किशन कुमार की बात करूँ तो किशन कुमार ने अभी तक 10 मैचेस प्ले किया हुआ है और इनका जो पॉइंट्स रहा 42 है और इन्होंने रेड्स पॉइंट 31 किया हुआ है, इनका रेड स्ट्राइक 73.8 का है। गाइस परमवीर यादव की बात करूँ तो परमवीर यादव ने 10 मैचेस प्ले किया हुआ है, इनका जो रेड पॉइंट्स रहा 6 है और रेड स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो रेड्स इनका जो रहा वो 36.36 का है और सक्सेसफुल रेड रेशियो 40 का है। अनुभव रथी की बात करूँ 8 मैच प्ले किया, बहुत कम टाइम इनको कोर्ट पे मिला, 67 इनका टैकल पॉइंट है, तो आप चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो। वीरू यादव 17 मैचेस प्ले किया हुआ है, 77 इनका टैकल पॉइंट है, तो ये भी इनका भी कम परफॉर्म रहा, कम चांसेस मिला हुआ है। गाइस वहीं बात करते हैं हिमांशु यादव 12 मैचेस प्ले किए, 50 इनका टैकल रहा है, टैकल पॉइंट की बात करो तो 14 रहा, तो कोई खास परफॉर्म नहीं है, इनको भी आप ड्रॉप करके चल सकते हो। रोहित कुमार की बात करो 10 मैच में 46 इनका टैकल पॉइंट है, टैकल्स रेशियो जो इनका रहा 23 का, तो इनको भी आप ड्रॉप करके चल सकते हो। और अर्णव यादव की बात करो तो 19 मैचेस प्ले किए, 79 इनका टैकल पॉइंट है और गाइस इनका जो टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो 12.66 है, तो आप चाहो तो इनको अर्णव यादव को किसी एक टीम में जीएल टीम में ट्राई कर सकते हो। गाइस बात करते हैं कल के मैच में जो हमारी सेट टीम प्रीव्यू रहने वाली है उसकी बात करो, तो मैंने डिफेंडर सेक्शन से 2 प्लेयर्स को लिया हुआ है, आर खत्री और ए रत्ती को लिया हुआ है, और ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने जो लिया हुआ है वो जी चिल्लर और सी साहू को लिया हुआ है, और रेडर की बात करूँ तो ए धूल निखुल और उदय दवास को लिया हुआ है। गाइस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो आपके पास में निखिल है बेस्ट ऑप्शन और सी साहू है आपके पास बेस्ट ऑप्शन, जो आप इसके साथ में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जा सकते हैं, या वीसी भी आप ए धूल के साथ जा सकते हो। गाइस ये हमारी सेट टीम है, फाइनल टीम जो आने वाली है वो हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे आएगा, इसलिए गाइस बिल्कुल भी मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, ऑप्शंस ऑलरेडी मैंने बता चुका है, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।